नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंद्र मिशन असफल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और मेरे पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों इंजीनियरों के प्रयासों पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि विज्ञान नई संभावनाओं की नींव रखकर जाता है और हमें असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नए आविष्कार नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। वैज्ञानिकों को संबोधित करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इसरो मुख्यालय से जा रहे थे तो इसरो चीफ के सिवन पीएम मोदी के गले लगकर रोने लगे। पीएम मोदी ने गले लगाकर इसरो चीफ की पीठ थपथपाई और के सिवन का हौसला बढ़ाया। इसरो चीफ को देखकर यहां पर भावुक देख पीएम मोदी ने उन्हें चुप कराया और उन्हें दुखी ना होने की बात कही। लैंडर विक्रम से चंद्रमा के सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने संपर्क टूटने का ऐलान करते हुए कहा कि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले तक लैंडर का काम प्लानिंग के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि उसके बाद उसका संपर्क टूट गया। चांद से मात्र 2.1 किलोमीटर दूर तक चंद्रयान 2 से संपर्क टूटने के बाद पीएम मोदी ने इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने वैज्ञानिकों की काफी तारीफ की। पीएम मोदी का ट्वीट, भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व। उन्होंने कहा कि हमेशा अपना सर्वोत्तम दिया और भारत को गौरवान्वित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि वैज्ञानिकों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैज्ञानिकों की तारीफ की और ट्वीट कर कहा कि भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट किया और लिखा, पूरा देश इसरो वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इसरो की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। राहुल ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों पर देश को नाज है, चंद्रयान 2 पर वैज्ञानिकों को बधाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और ट्वीट कर लिखा, देश को वैज्ञानिकों पर गर्व है। चंद्रयान 2 को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर किया लिखा है कि ट्वीट में मायावती ने कहा कि चंद्रयान 2 ने समस्त भारतीय जनमानस को रोमांचित किया है। भारतीय वैज्ञानिकों और खासकर इसरो के वैज्ञानिकों ने अब तक जो सफलता प्राप्त की है वो गर्व करने के लायक है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि निराशा, हताशा और दुखी कतई ना हो। शायराना अंदाज में मायावती ने कहा है कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, तो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। केंद्रीय महिला और बाल विकास स्मृति जुबिन ईरानी आज लखनऊ के दौरे पर हैं। सुबह 8:30 में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची और सीएम आवास पहुंची और वहां पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के जेल जाने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अब बिना एसी के रहने के लिए अपने शरीर की क्लाइमेटाइजेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब चिदंबरम साहब जेल की रोटी खा रहे हैं। शैलजा के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर विज ने कहा, पहले अध्यक्ष बनने पर अशोक तंवर को हेलमेट पहनकर रखने की सलाह दी थी, अब शैलजा को भी हेलमेट डाल लेना चाहिए।
बसपा और जेजेपी से रिश्ता तोड़ने को लेकर विज ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जेजेपी की पतली हालत को देखते हुए अपने आप को इनसे अलग कर लिया है, यानी कि जेजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। जेजेपी बीएसपी का गठबंधन एक महीने भी नहीं टिक सका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने बीएसपी की राजनीतिक ताकत और आत्मविश्वास देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उनकी इच्छा बीएसपी को राजनीतिक ताकत और आत्मविश्वास देने की रही है और आगे भी रहेगी। करनाल में आबकारी विभाग से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्ट घूसखोरी मामले में सेल्स टैक्स के 3 लोगों पर गाज गिरी है। दरअसल काफी लंबे समय से भ्रष्टाचार की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद इस मामले में उच्च अधिकारियों ने जांच करते हुए 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। पांवटा साहिब में अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वीरेंद्र चौहान ने सरकार को अपनी मांग से अवगत कराया और सरकार से हिमाचल में कोर पेंशन योजना लागू करने की अपील की। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि ये योजना हिमाचल में लागू नहीं की जाती तो केंद्र सरकार की पेंशन योजना की तरह ही हिमाचल में भी पेंशन योजना शुरू की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पे कमीशन छठा वेतन आयोग जो केंद्र सरकार का है उसे भी हिमाचल में लागू किया जाए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को 5वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तमाम फिल्म निर्माता उत्तराखंड में शूटिंग के लिए आ रहे हैं। सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए बेहतर सुविधा और सहयोगात्मक वातावरण दिया है, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड फिल्म मेकर्स का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से फिल्म फेस्टिवल की औपचारिक शुरुआत की। प्रदेश विधानसभा में विधायकों और मंत्रियों के देश विदेश के दौरों के लिए बढ़ाए गए यात्रा भत्ते को लेकर शुरू हुए विरोध के खिलाफ शिक्षा मंत्री भी मुखर हो गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, मैं 20 साल से विधायक हूं, मैंने ये खर्च कभी क्लेम नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधायकों का कोई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है, देश या विदेश की यात्रा पर आने जाने के खर्च की लिमिट बढ़ाई गई है। पहले ये 2.5 लाख थी, अब 4 लाख की गई है। पहले दौरा पूरा करना होगा, फिर उसका बिल देना होगा। पूरी जांच पड़ताल के बाद बिल पास होगा। शिमला के बीजेपी मुख्यालय में जिला बीजेपी की बैठक हुई। शिमला बीजेपी चुनाव प्रभारी सूरत सिंह की अगुवाई में बैठक की गई। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह मनाने जा रही है, इसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई और रूपरेखा बनाई गई। वहीं जिला चुनाव प्रभारी सूरत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जनता को भ्रमित कर रही है, इसलिए बीजेपी देश भर में जन जागरण अभियान शुरू कर रही है ताकि देश के लोगों को इसकी वास्तविकता के बारे में पता लग सके। रायबरेली में इंदिरा नगर पुलिस चौकी के पास स्थित बीजेपी नेत्री के घर में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब अज्ञात बाइक सवार 2 युवकों ने उनके घर में ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए।
फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने छात्रों की मांगों को लेकर कॉलेज में पूर्ण शिक्षा बंद किया। उनका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या है कि रिजल्ट देरी से आता है। इसी के साथ और भी कई मांगों को लेकर एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एबीवीपी के शिक्षा बंद के आह्वान पर एसएफआई इकाई ने कड़ा विरोध किया और जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदेश भर में एबीवीपी की ओर से पूर्ण शिक्षा बंद का आह्वान किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 21 सी में ग्रीन बेल्ट पर लगे पेड़ पौधों को काटने का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने निजी फायदों के लिए ग्रीन बेल्ट में लगे पेड़ों को काट रहे हैं। यहां तक कि ग्रीन बेल्ट में मिट्टी डलवाकर उन्हें समतल भी कर दिया गया है। कटे हुए भरे हरे भरे पेड़ों की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर ने शिकायत करते हुए सीएम एनजीटी पर्यावरण मंत्री और जिला प्रशासन को दी है। रोहतक की शेफाली का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है। शेफाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू टी20 सीरीज में खेलेगी। शेफाली को महिला टी20 चैलेंज में अच्छे प्रदर्शन की वजह से टीम में जगह मिली है। आपको बता दें कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को देखकर शेफाली ने क्रिकेटर बनने का फैसला किया था। शेफाली की कामयाबी पर उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना विजय क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों को आता देख रुकने का इशारा किया, पर वे नहीं रुके और पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। इस दौरान हाथ में गोली लगने से पुलिस का एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं बदमाश का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। घायल बदमाश की पहचान 25,000 इनामी सोहेल के रूप में की गई है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद की है। अमरोहा जनपद की थाना सैदन गली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 20,000 का इनामी बदमाश फरमान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगने से सिपाही अतुल भी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए हसनपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश के घर गौ तस्करी और अन्य आपराधिक वारदातों के 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया है। मुरादाबाद में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 5 से 7 युवक एक अकेले युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। ये वायरल वीडियो मझोला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब इस मामले में सीओ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो अगस्त महीने का है। इस पूरे मामले में मझोला थाने में एफआईआर दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल के कुल्लू में एक अनोखी दौड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कई युवक जंगलों में दौड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं। कटीली झाड़ियों से युवक ऐसे दौड़ रहे हैं मानो कोई दौड़ का मैदान हो। दरअसल सारी कोठी के सरली से लेकर व्यासर तक सैकड़ों श्रद्धालु माता फुंगड़ी के दरबार लोहड़ा
अचारी पहुंचे थे। माता पुंगड़ी के 1 किलोमीटर नीचे माता का स्थान है। मान्यता है कि जो कोई भी दौड़ते हुए सबसे पहले माता के स्थान पर पहुंचेगा उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक मार्ग पर स्थित एक दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने पीतल से बने लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट्स चोरी कर लिए। चोर लोहे की रॉड की मदद से दुकान में लगे 4 ताले तोड़कर ले गए और शटर उखाड़कर अंदर दाखिल हुए। दुकान मालिक का कहना है कि उसकी दुकान से पीतल से बने हुए करीब 200 किलो वजनी स्पेयर पार्ट चोरी किए गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की के पाडली गुर्जर गांव में स्कूल जा रहे 13 वर्षीय मासूम पर चाकू से हमला किया गया। चाकू लगने से बच्चे की शर्ट फट गई, जिसके बाद बच्चे के चीखने पर लोग आए और आरोपी बच्चे का स्कूल बैग लेकर लेकिन मौके से फरार हो गया। अमृतसर पुलिस ने एक मशहूर गैंगस्टर अंग्रेज सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 14 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें अमृतसर में बिल्ला कोट खालसा का मर्डर और गुरदीप पहलवान का मर्डर भी शामिल है। अमरोहा जनपद के गजरौला में धारदार हथियार से गोदकर बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चा गुरुवार की दोपहर से घर से लापता था। आरोपी ने शव को दबाने के लिए घर में ही गड्ढा खोद रखा था। जानकारी होने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई कर दी। गुस्साए परिजनों ने बच्चे का शव रखकर गजरौला के मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सोहना में पुलिस पर पथराव करने का मामला देखने को मिला है, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पथराव करने के बाद शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। पथराव में हेड कांस्टेबल और कई पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने मौके से पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्थायी कर्मियों ने भारतीय मजदूर संघ के साथ एक दिवसीय धरना दिया। संगठन के अध्यक्ष राजेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि संविदा कर्मियों को सीनियर अधिकारी काफी परेशान करते हैं और उनको नौकरी से हटाना चाहते हैं। अध्यक्ष का कहना है कि न्यूनतम वेतन की मांगों पर संविदा कर्मियों को सेवा से लगभग 20 महीने पहले हटा दिया गया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उन्हें वापस ड्यूटी पर लिया जाए। यूपी में बिजली के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश में महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास शर्मा ने कहा कि जब से प्रदेश सरकार ने बिजली के मूल्यों पर 12% की वृद्धि की है, जिसके कारण आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक वर्ग के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि सरकार जल्द से जल्द इन बढ़ी हुई दरों को वापस ले, यूपी की जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए। देहरादून में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सड़कों और अन्य जगहों पर अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के लिए अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है।
और इसी बात को लेकर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अतिक्रमण हटाव टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि टास्क फोर्स की ओर से अतिक्रमणकारियों को परामर्श दिया जाए कि अगर उन्होंने फिर से अतिक्रमण किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के काम अधिक तेजी से किए जाए। भदोही में कालीन नगरी के उत्थान के लिए नवनिर्मित एक्सपो मार्ट कालीन मेला आयोजित किया जाना है। यूपी के सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम के प्रमुख सचिव आईएएस नवीन सहगल ने एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कालीन मेला आयोजन को लेकर प्रदेश प्रशासन गंभीर है। सीईपीसी का ये पहला हक है। उन्होंने कहा कि अगर सीईपीसी मेले का आयोजन करे तो ठीक नहीं है, नहीं तो शासन कोई और विकल्प निकालेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में दिनों 10 दिन गणेश उत्सव की धूम मची रही। शहर में 24 स्थानों पर विराजित विशाल गणेश प्रतिमाएं भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे रिलीज हो चुकी है। फिल्म के ट्रेलर को मिक्स्ड रिव्यू मिले थे, मगर फिल्म की बात करें तो ये दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। मूवी को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर का पहला गाना रिलीज हो गया है। गाने के बोल हैं घुंघरू। गाने में ऋतिक रोशन और बानी कपूर की जो केमिस्ट्री है काफी अच्छी देखी जा सकती है। गाने को अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने गाया है। गाने का म्यूजिक विशाल और शेखर ने कंपोज किया है। लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं। गुरु रंधावा अपने फैंस के लिए एक रोमांटिक नंबर लेकर आए हैं। तेरा इश्क टाइटल के गाने में गुरु के साथ एक्ट्रेस नुसरत भरूचा नजर आ रही है। गुरु रंधावा के इस नए गाने को उन्होंने ही लिखा है और इसे रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द सीजन कहा जा सकता है। इस नए गाने में गुरु रंधावा और नुसरत के बीच पहली नजर का प्यार वाली कहानी देखी जा सकती है। गुरु रंधावा ने अपने ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से इश्क तेरा गाने के रिलीज होने की जानकारी दी। आपको बता दें यूट्यूब पर यह गाना खूब देखा जा रहा है। लोकप्रिय अभिनेता प्रभास अपनी हालिया रिलीज फिल्म साहू को दुनिया भर में मिल रही सफलता के कारण फूले नहीं समा रहे हैं। प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और अब प्रभास प्रशंसकों का आभार जता रहे हैं। साहू फिल्म एक्शन और थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन सुजीत ने किया है और इस फिल्म ने अपने रिलीज के पांचवें दिन ही 350 करोड़ रुपए का व्यापार कर लिया था। आयुष्मान खुराना अपनी नई मूवी ड्रीम गर्ल को लेकर चर्चा में है। इसमें वे एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं जो लड़की की आवाज निकाल सकता है और पूजा बनकर कई लोगों से बातचीत करता है। इस रोल के लिए आयुष्मान ने कड़ी मेहनत की है। इसका बिहाइंड द सीन वीडियो सामने आ चुका है। इसमें आयुष्मान लड़की के किरदार को लेकर अपने स्ट्रगल को बताते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह मेकअप करके उन्हें किरदार के लिए तैयार किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने महिला की वॉइस निकालने के लिए भी काफी काम किया है।